नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आर पांडे। कैसे हैं आप लोग? एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें एक बच्चे को कुछ लोग मार रहे हैं और बुरी तरह मार रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा मतलब यही कोई 19-20 साल का होगा, जिसे कुछ लोग बुरी तरह मार रहे हैं। ठीक है, जो मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा। ठीक है, लोगों का कहना उसने गलती की है, गंदा गाना गा दिया है, किसी का नाम लेकर गाना गा दिया है। तो जो लोग तोहमत लगा रहे हैं कि उसने गंदा गाना गा दिया है, अपने दामन में झांक कर देखें कि उन्होंने उससे पहले कितने गंदे गाने गाए हैं, क्या वो सही है? ये लोग जिस बच्चे को इतना मार रहे हैं कि उसने एक गाना गाया, असल मैं ये नहीं कहता उसने सही हरकत की है, उसने गलत किया है, उसके बदले में मैं देख रहा हूं वीडियो में वो लिटरली माफी मांग रहा है, माफी मांग रहा है, सॉरी कह रहा है मुझे माफ कर दो, उसके बावजूद उसको मारा जा रहा है। तो क्या ये सही है कि अगर कोई माफी मांग ले अपनी गलती के लिए, तौबा कर ले, तो भी उसको मारा जाए? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो क्या उसको मारना चाहिए? आप लोग बताइए है? अब आप सोचिए ना, एक मिनट में दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, रुकिए। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, तो क्या उसको मारना चाहिए? ये बच्चा जिसको लाइव आकर आप मार रहे हो, लाइव वीडियो दिखा रहे हो, कल को ये डिप्रेशन में चला गया, और डिप्रेशन में जाने के बाद इस बच्चे ने अगर कुछ गलत कदम उठा लिया, कल को आत्महत्या कर ले बच्चा, तब क्या करोगे? उसकी जिंदगी वापस ले आओगे? अपनी ताकत दिखाते हो सिर्फ एक कमजोर पर, उसको किस बात की सजा दे रहे हो कि उसने गंदा गाना गाया और उसने आपके नाम से गाना गाया? कभी आपने ये सोचा है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, इंकी, पिंकी, नीलू, पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों के नाम हैं जिनके नाम को लेकर आप गाना गाते हो, हैं? आपने कभी ये सोचा गांव में या कहीं भी जहां वो लड़कियां रहती हैं, वहां के लोग उस नाम को, उस गाने को गाकर उनको चिढ़ाते हैं, उनका जीना मुहाल कर देते हैं? हाँ, कैसे से गाने गाए जाते हैं कि भतार संगे काका कहलू, तो बहुत से खाली उसी की बात, एक कितनी बात, पता नहीं कितने अश्लील गाने गाए गए हैं जिसकी वजह से कितनी लड़कियों को प्रताड़ित होना पड़ता है, उन शब्दों को सुनकर उनको परेशान होना पड़ता है, वो लिटरली डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उनको चिढ़ाया जाता है। तो क्या उस वक्त आप गलत नहीं थे? उस बच्चे ने तो चलो एक गाना गलत गाया और वो गाना कहीं ना कहीं आपके जमीर को, आपकी इज्जत को टच कर गया, तो आपको बुरा लग गया है, आपने प्रशासन का सहारा ले लिया, आपने कानून को भी अपने हाथ में ले लिया, जबकि आप बड़ी बड़ी कानून की बातें कर रहे हैं। उस बच्चे को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही कि उसने गलत गाना गाया, ठीक है, उसको आप उसको कानून के हवाले कर दो, कानून है उसको सजा देगा, आप उस पर हाथ क्यों उठा रहे हो, उसको कंटिन्यू क्यों मार रहे हो और ऊपर से कानून की दुहाई दे रहे हो? आप कह रहे हो बिहार बंद हो जाएगा, है, बिहार किसी के बाप का है क्या कि बिहार बंद हो जाएगा? ऐसे तो करोगे तो भारत बंद हो जाएगा। उस बच्चे ने एक गलती की, एक गाना गाया गलत, ऐसे 1000 नहीं, एक कितने पता नहीं कितने लोगों ने गंदे गाने गाए, तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? मैं प्रशासन से भी कहूंगा, सर हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, आज जो बंदे उस बच्चे पर उंगली उठा रहे हैं, अगर ये बच्चा गलत है, देखिए मेरी बातें नागवार गुजरेंगी और अगर सही लोगे तो सही गुजरेंगी, अगर ये बच्चा गलत है, इसे सजा दी जा रही है, तो इसी धारा के तहत उनको भी सजा दी जाए जिन्होंने पहले से गंदे गाने गाए और जो गंदे गाने कंटिन्यू गाते जा रहे हैं। अगर इसके घर पर पुलिस गई है तो उनके घर पे भी पुलिस जाए ना, और पहले उनको अरेस्ट करे जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। इतने दिन से हम भी काम कर रहे हैं, हमारे भी सारे गाने उठा लो, देख लो उसमें कहां गंदगी है, और इन लोगों के भी दामन में झांक लो कि इन लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई है। जो खुद गंदा हो दूसरे को गंदा कैसे कह सकता है? उसको प्यार से बैठा के समझाया भी जा सकता था। हर जुर्म की एक सजा होती है कि इतनी सी सजा काफी है, उसको लिटरली मारा जा रहा है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए, और ऊपर से क्या कहा जा रहा है, फैंस पे ढकेल दिया जा रहा है, फैंस पे ढकेल दिया जा रहा है कि फैंस कर रहे हैं, फैंस कुछ नहीं करते, फैंस पागल नहीं है। आप लोग पागल हो गया कि किसी को कुछ भी कहने लगोगे? झूठे यूट्यूब चैनल्स आपने बनाए हैं, आप लोगों ने किए हैं, अभी अगर जांच की जाए, मैं कहता हूं जांच करो इस बात पर, जरूर जांच करो, हमको भी जांच करो, इनको भी जांच करो, सबको जांच करो, और जो पता चले ये गलत है उसको सजा दे दो। कितने फेक यूट्यूब चैनल बनाए गए हैं, इन लोगों के थ्रू बनाए गए हैं, इन लोगों ने यूट्यूब चैनल बनवाए, जांच करो सब पता चल जाएगा। और ये कहा जाता है इनको प्यार कर लो, ये नंबर है इनको प्यार कर लो, है
नंबर दिए जाते हैं ताकि उनके वायरल हो, उनको धमकियां दिलवाई जाती हैं, ऊपर से उसको मार के गुंडे बन रहे हो, ये है वो है, कहां के गुंडे हो बताओ हमको। ये देखो, ये देखिए आप, ये देखिए कैसे इसमें, देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियो कितना सच्चा है मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजा गया, ठीक है। और इसी बच्चे को मैंने देखा है कि ये बच्चा लिटरली माफी मांग रहा है, ये वीडियो सच है, एडिटेड है क्या नहीं वो बाद में पता चलेगा, पर ये वीडियो भी भेजा गया। और ये वही वीडियो है जिस लाइव में, इसका एक लाइव मैंने देखा, जिस लाइव में ये अखिलेश कश्यप नाम का बंदा, इसको बताया जा रहा है अखिलेश कश्यप है, इस बंदे से मैं कभी मिला नहीं हूं। ये बंदा लिटरली कुछ दिन पहले प्रदीप पांडे चिंटू, जो कि मेरा भतीजा भी है, उसको कह रहा था लाइव में आकर, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था, और ये बंदा अश्लीलता की बात कर रहा है कि मैं रात भर रोया नहीं, मैं सोया नहीं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, उस बच्चे के बगल में कंधे पे हाथ रख के उसको मार खिलवा रहा है और खुद को गुंडा होने का दावा कर रहा है। कितना बड़ा गुंडा है ये, क्या इसको इतना राइट्स है कि ये कानून को अपने हाथ में ले ले? एक छोटे से बच्चे को पकड़कर इतना मार रहा, उसके फेस पे पंच मारा गया है, वो लिटरली बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या है ये बंदा, उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उस बंदे को लिटरली मार रहे हैं, उसको क्यों मार रहे हैं? अगर सजा दिलानी है तो इसको दो, अगर कहते हैं उस बच्चे ने गंदा गाना, ठीक है, उसको उसको सजा दो, उसने गंदा गाना गाया, उसको ये हक नहीं है कि वो किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, पर जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया उसका क्या? बहुत से गाने ऐसे आए हैं कि मुखिया ये मुखिया हो, तो सारे मुखिया लोग उस पर केस कर दो, क्योंकि मुखिया का नाम लिया है। बहुत सी लड़कियों का नाम नीलू पीलू कीलू बहुत कुछ है, हजार नाम है, तो जितने लड़कियों के नाम लेकर अगर किसी ने गाना गाया है तो उन लड़कियों के पेरेंट्स और सारे लोग उस नाम से भी केस कर दो कि हमारे नाम से क्या है। और प्रशासन को चाहिए इनको भी वही सजा दे जो इस बच्चे को सजा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उस बच्चे को छोटा सा बच्चा है, उससे एक मिस्टेक हो गई बस, उसको प्यार से समझाया भी जा सकता था, उसको पकड़ के लिटरली इस कदर मार रहे हैं, ये वीडियो क्या आप बताइए सही है? और ऊपर से आके लेटर दिखा रहे हो, प्रशासन ने मुझे ये राइट्स दे दिए हैं, वो राइट्स दे दिए हैं, प्रशासन ने राइट्स दिए सिर्फ तुमको, तुम्हारे लिए, दुनिया की बैंड बजाने के लिए नहीं दिया है। दुनिया को तुम धमकी देते घूमो, मैं पूरे इसकी डंडा कर दूंगा, उसकी डंडा कर दूंगा, ये प्रशासन ने तुमको लाइव आकर आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। एक पक्ष होता तो दूसरा विपक्ष होता है, आप सब कहो वही सही नहीं है, पहले अपने दामन में झांक के देखो तुम खुद कितने गंदे हो। और कानून की बात करते हो, क्या कानून के बारे में बात कर रहे हो तुम? एक बच्चे को पकड़ के मारना, क्या ये कानूनी सही है? लाइव आकर ये कहना बिहार बंद कर देंगे, बिहार तुम्हारे बाप का है, तुम बंद कर दोगे? तेरे अंदर था, मैंने एक दुकान बंद करवा के दिखा, कानून की बात करता है, वो दुकान वाला ही तेरे अंदर डंडा करवा देगा। लाइव आकर तुम ये कह रहे हो किसी के पूरे परिवार को अरेस्ट करवा देंगे, बाप की बपौती है कि किसी के परिवार को अरेस्ट करवा दोगे? लाइव में ये कहा जा रहा है कि उसके माँ बाप नहीं छूटेंगे, तू नहीं बताएगा तो तेरे माँ बाप अंदर गए, तू नहीं बताएगा तेरे माँ बाप अंदर गए, उसको पंच मारा के जा रहा है। गलती इस बच्चे की है, माँ बाप को अरेस्ट करने की किसकी हिम्मत होगी भाई? जो गलती करता है सजा उसको मिलती है कि माँ बाप को मिलती है? माँ बाप से सिर्फ पूछताछ हो जाती है कि आपका बेटा कहां है, दादा हो क्या, दादागिरी कर रहे हो लाइव आकर, बहुत बड़े गुंडे हो, उस मासूम बच्चे को मार रहे हो, दमे आओ मुझे हाथ लगा के दिखाओ, मुझे टच करो, वो जो पंच मार रहा था ना ऐसे, मुझे मार के दिखा पंच, तेरे को मैं बताता हूं पंच क्या होता है। उस बच्चे को क्षमा भी किया जा सकता था, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, अगर तुम ताकतवर हो तो माफ करना सीखो, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। ऐसे ही बीच में मेरे सेट पे भी अरेस्ट करने के लिए एक बच्चे को भेजा गया था, मैं चाहता तो मानहानि का दावा ठोक सकता था, सारे लोग गवाह हैं, प्रोड्यूसर से लेकर सारे गवाह हैं, मैंने मना किया कि जाने दो जाने दो, जो सही होता है उसको क्षमा करना आता है। बार बार 1000 पता नहीं कितने गाने गंदे गाया है, तब कहां थी, तब कहां ये चीजें गई थी, जब खुद के ऊपर आया तब मिर्च लग गई है। मोदी जी के लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले देखा था, एक वीडियो आया था जिसमें अपनी ही बेटी को गलत सिखा रहे हो कि मोदी जी गलत हैं, बेटी ही खुद कह रही है, छोटी सी बच्ची है, बच्ची के दिमाग में गलत भावना पैदा कर रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गलत हैं, तब कहां गए थे तुम्हारे संस्कार? लोगों को कह रहे हो गंदा गाना खाकर फेमस होना चाहते हो, क्या यही तुम्हारे संस्कार है, यही तुम्हारा गंदा खून है? तो तुम्हारा कौन सा अच्छा खून है, क्योंकि इसकी शुरुआत तुमने की है, तो कहां से अच्छा खून है? दूसरे को बोलने से पहले खुद के दामन में झांको और धमकी नहीं देना कर किसी को,
कानून की बात करते हो, आज अगर अभी 4 कंप्लेंट चली जाएगी ना उस बच्चे के खिलाफ, खुद मैंने कंप्लेंट कर दी ना, डंडा हो जाएगा, बाहर नहीं निकलोगे। किसी को राइट नहीं है कि किसी को भी आप मार सको। आज उस बच्चे का पूरा कहां कहां उसकी बदनामी हुई होगी। ठीक है, गलत किया तो उसको प्रशासन के हवाले कर दो, प्रशासन उसको ले जाएगा, उसको लाइव आकर आप लिटरली मारोगे। मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देखो। हाँ देखो, लाइव में लिख रहा है पैसे का घमंड, पैसे का बहुत घमंड हो गया है, बहुत से पूंजीपति ना पता नहीं कहां घुस गए। कानून के ऊपर जाने की कोशिश मत करो, केस लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे, एक बार केस में फंसोगे ना समझ में आ जाएगा। जिस नीलकमल को यही लोग, ये दो लोग जो मार रहे हैं, यही लोग नीलकमल को नीलकमल जी कह रहे हैं, जिस गधे को, वही नीलकमल अक्षरा सिंह के लिए इतनी गंदी बातें, इतना गंदी बातें उसने की, इतना गंदा गाया है गाना, तब कहां। आज अगर वो इतना गंदा गाया है, उसको तुम जी 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 कर रहे हो, हैं, तो इसको भी जी जी करो ना, इसने भी तो वही काम किया है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा चेला है, तुम्हारे साथ रहता है, हैं, और इससे ये तो इसने तो फिर भी कम किया होगा, मैंने भी इसको नहीं सुना है, इसने तो फिर भी कम किया होगा, उसने तो जो गंदी गंदी बातें की तो उससे बड़ी। तब जब उसको जी कह रहे हो, नीलकमल जी, तब इसको भी जी कहो ना। इतना सब कुछ समाज में करोगे नहीं, इतना बड़ा ढिंढोरा पीटोगे। दुनिया भर के फेक यूट्यूबर्स तुमने बनाए, तुम्हारे फेक यूट्यूबर्स हैं। अभी जांच करो, जांच करवाओ उसके ऊपर। मैं खुद कहता हूं कि जो वीडियो है ना, ये जो मारा गया है, इस वीडियो पे आप लोग एक्शन लीजिए। कल को आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, आप लोग उस पर एक्शन लीजिए। ये अखिलेश कश्यप है क्या? अखिलेश कश्यप, मैं तुझे कह रहा हूं, तू है क्या? मेरे सामने खड़ा हो, मुझे बात कर, मुझे हाथ लगा के दिखा तू। वो जो पंच मारा उसको मैं कहता हूं, मुझे हाथ लगा, मैं तुझे बताता हूं ना पंच क्या होता है। उस गाने में उसने गाली तो नहीं कहा होगा उसको, तुम लिटरली मैं बोल के दिखाऊं क्या उस गाली को? उस गाड़ी में, माफ करना दोस्तों, मैं कान पकड़ रहा हूं, मैं गाली देना नहीं चाहता, पर फिर भी कह रहा हूं, उस गाली में बहुत सड़ी के ऐसे से गाली दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? उसको लिटरली मारा जा रहा है, क्या ये सही है? खुद कितने अश्लील गाने गाए हो, अपने दिल पे, अपने जमीर पे हाथ रख के बताओ। मैं प्रशासन से दिल से कहना चाहता हूं, इस लड़के को सजा दो, और जो सजा इसको दे रहे हो ना, वही सजा उन सबको दो जिन्होंने ये गलतियां की हैं। सब पे जांच करो, इनको वो सजा दो, उस नीलकमल को भी सजा दो जिसने अक्षरा सिंह के बारे में इतना उल्टा पुल्टा कहा, इतनी गंदी गंदी बातें कही, उसको तुम जी जी कह रहे हो, हैं? क्यों जी कह रहे हो? तो इस लड़के को क्यों कहा उल्टा? उसने इतनी अच्छी कौन सी बात कही थी बताओ? छोटे छोटे बच्चों के गंदे गाने चुराते हो, गंदे गाने चुराकर गाना गाते हो, है? सॉरी दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के गंदे गाने चुराते हैं, ठीक है, ऊपर से गंदे गाने गाते हैं, तब कहां जाता है जमीर? खुद के बारे में बोल दिया तो गलत हो गया, तुम मोदी जी के बारे में कह दो, मोदी जी को वो अच्छे नहीं है, प्रधानमंत्री के बारे में बोल दो, तुम सलमान खान के बारे में बोल दो, वो उल्टा बोल दो, है? तो सब कुछ नहीं है, तुम जो बोलो सही, बाकी सब गलत। तुम्हारे पास लेटर है, सलमान खान के पास लेटर नहीं है, तुम्हारे पास लेटर है, मोदी जी के पास लेटर नहीं है, हुँ? तुमको जब कोई तुमसे भारी मिल जाए, तब आके यूं यूं करके रोने लगो, रोते रोते आ जाओ, और कोई कमजोर मिल जाए तो उसको बैठा के अपनी ताकत का प्रदर्शन करो कि मैं बहुत ताकतवर हूं। यही अखिलेश कश्यप लाइव आकर कह रहा है, अब तो गुंडागर्दी लगता है करना पड़ेगा। कितना बड़ा गुंडागर्दी, कितनी बड़ी गुंडागर्दी करेगा तू? 5 फीट 4 इंच 5 इंच का आदमी है तो कितना बड़ा गुंडा है भाई? पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, जहां वहां सारी गुंडागर्दी घुस जाएगी तेरे अंदर। और कानून की बात कर रहे हो, उस वीडियो को सुनिए, उस लाइव को सुनिए, उसमें बहुत सी गलत बातें कही गई है। आज अगर मैं एक कंप्लेंट कर दूं ना, मैं एक आम आदमी एक कंप्लेंट कर दूं, ये राइट्स किसी को नहीं है कि कोई बैठा के किसी को मारे। अगर वो बच्चा अरेस्ट हो रहा है तो सबको अरेस्ट करो जिन्होंने, जो ऑलरेडी अश्लील है, अश्लील गाना गाते हैं, जो माँ बहन भाई बहन माँ भाभी सबकी बहन सबकी इज्जत की बात कर रहे थे ना, तब इज्जत कहां गई थी? जब भैया शहर है और देवर देव भाऊजी के साथ ये सब कर रहा है, ये सब बातें हो, तब कहां जाता है? तब भाभी की इज्जत नहीं रह जाती है? तुम गाओ तो रामलीला और बाकी गाया तो रासलीला, तब भाभी और उनकी इज्जत कहां जाती है बताओ? तब वो नहीं होता है, अपनी बहन अपनी बेटी अपनी बीवी सब अपनी,
है अपने टाइम पे ये संस्कार कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, किसी की माँ बहन के बारे में नहीं बोलना है। और जब तुम लोग लाइव में पता नहीं कितने लोगों के कमेंट्स करवाकर अपने लोगों से फेक इनको प्यार कर लो, गाली लिखो, ये लिखो, जब गाली दिलवाते हो हर सिंगर के उसमें गाली लिखवाते हो, क्यों लिखवाते हो? तब सारा संस्कार कहां जाता है? खुद को चोट लगी, खुद का कोई प्रॉब्लम में आया तो दर्द हो गया। इतने दिन हो गए, इतनी बातें, तुमको पता तुमसे कई गुना ज्यादा हम खुद बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से हमको लगाव है। चलो शुक्र है ईश्वर का, कम से कम किसी बहाने तुमको तमीज तो आई कि कम से कम संस्कार क्या होता है, दर्द क्या होता है, इज्जत क्या होती है, इज्जत के बारे में तुम सीखे तो सही। इसीलिए वो ईश्वर ना बेटा बेटी सब देता है ताकि आपको इज्जत का पता चले। जब आपके भी घर में इज्जत होगी, आपके भी घर में आपको पता चलेगा कि दूसरे की भी मां बहन है, दूसरे की भी मां बहन है, कितने परसेंट सही है, है? इनके कितने राइटर सही गाने लिखते हैं? अभी अगर सर्च मारो गूगल पे ना तो सबसे ज्यादा अश्लील गाने किसके दिखेंगे? अश्लीलता सबसे ज्यादा किसने परोसी? सारे लोग कह रहे हैं, वहां भी कह रहे हैं अभी तुम्हारे मां बाप नहीं छूटे। मां बाप भाई क्या किए मां बाप नहीं छूटेंगे? मां बाप को अरेस्ट करो, हम जामीन करवाते हैं उनकी, करो। मैं मनोज आर पांडे जामीन करवाता हूं, बताइए। और मानहानि ठोकूंगा मैं आपके ऊपर, मैं खुद मानहानि ठोकूंगा आप पर, बच के दिखाना, क्योंकि मैं सही ठोकूंगा। बीच में भी एक बच्चे को अरेस्ट करने भेजे थे, माफ किया कि जाने दो जाने दो जाने दो, है सुबह का बोला शाम को घर आ जाएगा। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है ना कि कम से कम तुमको तमीज और तहजीब का थोड़ा सा ज्ञान हुआ। और एक चीज और, दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही नाम नाम है, बाकी किसी का नाम नहीं है। एक नाम के 1,00,000 लोग होंगे इस पूरी दुनिया में, कैसे बता सकते हो कि उसने तुम्हारे नाम से ही गाया है? भाई मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, वो गलत है, गलत है। अगर नाम की ही बात है तो उन नामों को, जैसे किसी लड़की के नाम पे किसी के नाम पे जो गाना बनाते हो तो वो सब गलत है, वो अश्लील बातें सब गलत है, क्योंकि उस नाम से उस लड़की को दोबारा चिढ़ाया जाता है, उस परिवार को चिढ़ाया जाता है। और अखिलेश कश्यप, अब शुक्र मनाओ कि तुम्हारे नाम से भी बस लेटर कब लिखा जाएगा, ठीक है? तुमको लाइव आने का बहुत शौक है ना, तुम्हारा लाइव वीडियो दिखेगा कि तुम अरेस्ट हो गए। और कानून की पढ़ाई मत पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई लिख लो, अभी ढंग से गाना लिख नहीं पाते हो, थोड़ा पढ़ाई करो कानून क्या होता है। मैं तुम्हारे साथ उन सबको बोल रहा हूं ना जो कानून की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, प्रशासन को इतना पता है क्या सही है क्या गलत है। जांच पे आएगा ना तो सबसे पहले तुम्हारी जामीन नहीं होगी। और जो ये भोली वाली जनता है ना जिसको बेवकूफ बना रहे हो कंटिन्यू कि फैंस है फैंस है, ये फैंस कोई अपनी मां बहन नहीं करवाना चाहता, ना तो इनको अपनी मां बहन करवाने का शौक है, इनको भी पता है कौन सही है कौन गलत है। तो दोबारा ये गलती मत करना, मैं तुमको अभी भी बता रहा हूं। क्या कर दोगे किसी के खानदान का तुम भाई? किसके खानदान का क्या कर दोगे तुम? तुम्हारा मन करे तुम आकर कुछ भी रो दो, तुम्हारा मन करे तुम कुछ भी आकर बोल दो, तुम किसी बात पे पब्लिसिटी कर लो, क्या है तब कहां रहता है भाई? बाकी दुनियादारी कहां रहती है तब? बोलते कोई कुछ कहे तो पब्लिसिटी लेने के लिए कह रहा है, और सारे भाषण देने के बाद तुम्हारा कोई भी चीज आने वाला होगा, एक मुद्दा लाओगे, मुद्दा लाओगे, हैं? और उस मुद्दे के बाद कहोगे हमारी गाना आवे वाला, ओके लोग जरूर सुनी प्यार दी मुंह मुंह मुंह, क्या है था? तब क्या कर रहे थे? पब्लिसिटी नहीं ले रहे थे? कहते हो अश्लील गाना गा के कोई हिट होना चाहता है तो अश्लील गाना गा के तो सबसे पहले तुम हिट हुए हो, हैं? गंदगी सबसे पहले तो तुमने परोसी है। उनको कहते हो कि यही संस्कार है तो तब कहां गया था तुम्हारा संस्कार? उनको कहते हो ये खराब खून है तब तुम्हारा खून कहां था भाई? वो घटिया तो तुम क्या हो? और सुनो, कमजोर पे ताकत दिखाना बंद कर दो। लाइव का जरा तू ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा तो तेरी मां को ये कर देंगे। तुम पुलिस वाले हो क्या, इतनी पूछताछ कर रहे हो? प्रशासन हो, प्रशासन अपना काम कर रहा है ना, प्रशासन से पड़े हो गए हो। अब प्लीज यार, घटिया लोगों का साथ देना बंद कर दो यार, ये चाटू करता करना बंद कर दो। एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हो ना इतना सब, बहुत प्यारी इंडस्ट्री थी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, उसको धीरे धीरे इतना परोस दिया, कभी किसी सिंगर को कोई गाली नहीं लिखता था, किसी के गाने ना अच्छे लगे तो भाई वो नहीं सुनो, किसी का मेरी बातें आपको नहीं अच्छी लग रही है तो मुझे आप ब्लॉक कर दो, मुझे मत देखो आप, क्योंकि जो इंसान ना अच्छा लगे उसको नहीं देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए गलत कह रहे हो ना, खुद के फैन फॉलोइंग देख लो कितनी गिर चुकी है, फैन फॉलोइंग की रेटिंग देखो कितनी गिर चुकी है,
सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को पता चल रहा है तुम गलत हो, गलती कर रहे हो। और जो कहते हो ना इतना पैसा लगा देंगे, कितना पैसा है भाई, पैसा बहुत आ गया तुम्हारे पास, तो कोई बात नहीं तुम्हारा पैसा खर्चा करवा देंगे, रेडी रहो खर्चा करने के लिए, बहुत जल्दी खर्चा करवा देंगे तुम्हारा पैसा। सो दोस्तों आप लोग डिसीजन लो कि क्या करना है। हमेशा कहते हैं ना ये शेयर करो वो शेयर करो, क्यों भाई तुम्हारे बाप के नौकर हैं सब शेयर करें, क्यों शेयर करें सब, गुंडे हो ना, बिहार बंद करोगे, करो बिहार बंद, तुम एक शटर एक दुकान का शटर बंद करके दिखाओ। आज यूट्यूब चैनल्स वालों को उल्टा पुल्टा कह रहे हो, है क्यों, जिनको जो फेक फेक लोगों को बनाए थे अब उनकी खुराक पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो खिलाफत करने लगे उनको सच झूठ का पता चल गया तब उसके बाद बुरा लगने लगा। बस दोस्तों ज्यादा नहीं कहना है मुझे, बहुत कह लिया मैंने, रखता हूं मैं। डिबेट करने बैठोगे तो हर जगह गलत होगे, मोदी जी के लिए तुम गलत कहो, तुम सलमान के लिए गलत कहो, तुम दुनिया भर के लिए गलत कहो, हैं? दुनिया भर से तुम्हारी लड़ाई हो, तुम कभी अभय सिन्हा के लिए गलत कह दोगे, कभी राजकुमार पांडे के लिए गलत कर दोगे, कभी चिंटू के लिए गलत कह दोगे, कभी रितेश के लिए गलत कह दोगे, कभी पवन सिंह के लिए गलत कह दोगे, कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जिसके लिए गलत नहीं कहोगे, हैं? सब बुरे हैं, अक्षरा सिंह बुरी है, मैं मनोज आर पांडे मैं भी बुरा हूं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजे अपना मनोज आर पांडे से बुरा ना कोई, ठीक है मैं बुरा हूं। उनको मारते हो, गाना चुराते हो, सबसे बड़ी बात ना तुम सब गधे हो, जितने छोटे छोटे जो बच्चे राइटर्स है ना तुम सब गधे हो, एकता में बहुत ताकत होती है, तुम एक हो जाओ देखो तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता, एक हो जाओ खाली, जहां एकता होती है ना वहां कुछ नहीं होता। अब ऐसे भी छात्र खड़ा तो सबसे बड़ा, ये बात याद रखना, अपनी मेहनत किसी को ना दो, अगर तुम्हारा हक है तो अपना हक लेने की कुवत रखो, वरना जीवन भर लोग तुम्हारा हक छीनते रहेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं फिर से अपने प्रशासन से हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर ये लड़का गलत है इसको सजा दीजिए, जरूर दीजिए, पर इस लड़के ने जो किया है वही कर्म अगर किसी ने किसी और ने भी किया है और उससे बुरा कर्म किया है तो उसको भी सजा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अश्लील गाने बहुत परोसे गए हैं और इन्हीं लोगों ने परोसे हैं, अब वही फॉर्मूले तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल हो गए तब बुरा लग गया। अब तो मैं भी कहूंगा लव यू, अब बोलते ना पब्लिसिटी, चलो आज मैं भी पब्लिसिटी लेता हूं दोस्तों, मेरी फिल्म आ रही है जनता दरबार, ठीक है आज मैं भी पब्लिसिटी ले रहा हूं दोस्तों, मेरी फिल्म आ रही है जनता दरबार, जिसके प्रोड्यूसर है जसवंत कुमार, जो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, पूरे गाने आप लोग देख लीजिएगा, कहीं अश्लील हो तो बताइएगा, ठीक है कहीं अश्लील गाने नहीं है, एक अच्छी फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है, आप लोगों को पसंद आए तब आप लोग गलत कमेंट करिए उस पर, बहुत अच्छी फिल्म है, खुद को सिंगर कहते हो पहले सिंगिंग करना सीख लो, क्योंकि ऑटो ट्यून लगाकर तो कोई भी गा लेगा, जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं सब जानते हैं कि एक आदमी खाली डायलॉग बोलकर चला जाए तो कंप्यूटर पर बैठ के ऑटो ट्यून लगाकर पिच करेक्शन करके किसी को भी सिंगर बनाया जा सकता है। अगर सिंगर बहुत अच्छे हो ना तो बिना ऑटो ट्यून के 2 से 4 गाने रिलीज करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है लव यू दोस्तों, और पब्लिसिटी लेते हुए बोल रहा हूं जनता दरबार जरूर देखिएगा, उसके बाद एक और बड़ी फिल्म दे रहा हूं वो भी जरूर देखिएगा, आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आई प्रॉमिस ये राजा हमेशा आपका साथ देगा, दोस्तन के दोस्त हैं दुश्मन अल्लाह दादा, आपके दिल पे राज करेला, नाम बा हमारा राजा, लव यू।